आपने देखा मेरे पहले व्लॉग में दिल्ली टू उज्जैन का व्लॉग, और ये हम सुबह नदी पर नहाकर अब जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर। और यहाँ पर देखिए कितने श्रद्धालु लोगों की भीड़ लगी हुई है। जैसा आप देख पा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर के बगल से ये कॉरिडोर है, यहाँ से आप मंदिर के लिए जाओगे। और यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ नज़र आ रही हैं आपको सभी देवताओं की। यहाँ पर कृष्ण भगवान और शेषनाग का लीला नज़र आएगी आपको। और ये देखिए काफ़ी भीड़ है। अब हम मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं, यहाँ से हमारी लाइन शुरू होगी। ये पर लिखा हुआ है मुख्य प्रवेश द्वार, यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है हॉल। यहाँ से लाइन लगते हुए पहुँचते हैं महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए। यहाँ पर महाकालेश्वर का जयकारा लगाते हुए सब लोग जाते हैं, मैं भी जयकारा लगा रही हूँ। और ये देखिए सेकेंड हॉल के लिए हम जा रहे हैं। ये सेकेंड हॉल में आपको डॉक्टर की सुविधाएँ मिलेगी, कोई या फिर लोग को कोई परेशानी होती है तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो। ये देखिए बाबा का दर्शन कर लीजिए स्क्रीन पर। ऐसे हर हॉल में स्क्रीन लगी हुई है। ये देखिए जलेबी से हो रहा है स्क्रीन पर। यहाँ पर अगर आपको हवन वगैरह करवाना हो तो आप यहाँ करवा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए काम चालू है, यहाँ पर बन रहा है ये। देखिए दोस्तों सामने मंदिर दिख रहा है, और ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से काम चल रहा है। और देखिए ये मंदिर का द्वार है, यहाँ पर पूजा पाठ कराई जाती है, जलाभिषेक होता है। ये दर्शन करने के बाद में हम निकल रहे हैं। वहाँ पर फोटो और वीडियो बना सख्त मना था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। और ये बाहर निकलते हुए का व्यू है। मेरा ये महाकालेश्वर का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही ब्लॉग मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो ये देखिए मेरे पीछे कितना सुंदर मंदिर है, और यहाँ पर हम सब लोग खड़े हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं आपस में। फिर यहाँ से हम निकलेंगे अपने रूम के लिए, और रूम पर जाकर थोड़ा रेस्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों ये किसी का बच्चा खो गया था तो हमको मिला तो हमने दे दिया। ये यहाँ पर 50 रुपये में हाथी की सवारी होती है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों अब हम रूम पर पहुँच कर रेस्ट कर रहे हैं, सभी लोग थक गए थे। और यहाँ से रेस्ट करने के बाद मैं अगले ब्लॉग में आपको दिखाऊँगी, उज्जैन के मशहूर मंदिरों के दर्शन कराऊँगी आपको। जब तक के लिए जय महाकाल।